नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे किक 2 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवी अपने फैंस के लिए लेकर आ रहे हैं और इसमें से पहली मूवी जो है वो है टाइगर 3 मूवी, जो उनके टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड किस्सा थे। इस मूवी से फिर से टाइगर लौट रहे हैं और इसके साथ जोया कैटरीना कैफ भी नजर आने वाली है और कैमियो करते हुए पठान शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे और विलन का रोल करते हुए इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं। इसके बाद सलमान खान टाइगर वर्सेस पठान मूवी लेकर आने वाले हैं, जिस मूवी में टाइगर का किरदार करते हुए सलमान खान और पठान का किरदार करते हुए शाहरुख खान नजर आने वाले हैं और इन दोनों के साथ एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ देखने को मिलेंगे। और इसके बाद सलमान खान की एक और मूवी भी आने वाली है जो डायरेक्टर विष्णु वर्धन के साथ होने वाली है और उनका टाइटल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में इनसे जुड़ी अनाउंसमेंट मेकर्स ने की थी। इसके बाद सलमान खान इनसे अल्लाह मूवी भी लेकर आ रहे हैं, जो संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें एक्ट्रेस के तौर पर आलिया भट्ट नजर आने वाली है। इसके बाद सलमान खान एक और मूवी लेकर आ रहे हैं, वो है 2014 में जो उनकी किक मूवी आई थी उनका ही दूसरा सिक्वल रहेगी, किक 2 मूवी। 9 सालों के बाद किक 2 बनने जा रही है और किक 2 मूवी को डायरेक्ट करेंगे साजिद नडियादवाला और प्रोड्यूस करेंगे नडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले खुद साजिद नडियादवाला। इसके पहली किस्त को भी साजिद नडियादवाला ने ही डायरेक्ट किया था और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज की एक्शन और कॉमेडी से भरपूर मूवी रहने वाली है। इस मूवी से फिर से सलमान खान अपने फैंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं और फर्स्ट पार्ट जो किक मूवी आई थी वो 2014 में आई थी और इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें सलमान खान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिथुन चक्रवर्ती देखने को मिले थे और इस मूवी को 100 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और इस मूवी में सलमान खान देवी लाल सिंह का किरदार करते हुए देखने को मिले थे और फिर से देवीलाल का किरदार करते हुए सलमान खान लौट रहे हैं किक 2 मूवी में और इस मूवी को 250 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी 400 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। फर्स्ट पार्ट की तरह ये मूवी भी एक्शन और कॉमेडी से भरपूर रहने वाली है। ये मूवी हमें ईद 2024 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप ये किक 2 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।